चलो ये वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो प्यारे बच्चों, कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कहता है सिंपल पेंडुलम है जिसका बॉब एम है और ऑसिलेट कर रहा है ए टू सी। अब ए से सी तक ऑसिलेशन हो रहा है, ये हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है, ए से सी तक ऑसिलेशन हो रहा है एंड बैक टू ए। ए से सी गया और सी से ए आएगा, ग्रेविटी जी है, वेलोसिटी ऑफ द बॉब एट पासिस टू द बी। बी एक क्या है, मीन पोजिशन है यार, यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है। सिंपल इसको मैं सिंपल ड्रा कर सकता हूँ, देखो ए यू मैं ऐसे ड्रा कर सकता हूँ, इस चीज़ को मैं ऐसे ड्रा कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर वेलोसिटी निकालना बहुत ही आसान सवाल है, देखो यहाँ एक्सट्रीम पोजिशन है, यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गई, तो यहाँ पर वेलोसिटी इधर है मान लो, उधर से वापस आ रहा है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे मस्ट बी इक्वल टू ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बी पॉइंट, इस पे मैं बी बोल देता हूँ, इन दोनों पे इक्वल होगा बेसिकली। अब देखो सॉल्व कर लो इसको, तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजिशन पे, यहाँ मैं ए मान लिया हूँ, ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है, ये हाइट एच, ये हाइट सीधा वाला हाइट एच बराबर है। एक्सट्रीम यहाँ पे मीन पोजीशन पे रेफरेंस पॉइंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी जीरो चली गई और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, वेलोसिटी एक्चुअली मैक्सिमम होती है यहाँ पे, दैट इज अ स्क्वायर, तो एम ने एम को, तो वेलोसिटी मैक्सिमम जो हमें फाइनली दिखेगा वो टू जी एच अंडर रूट ये वाली चीज आ जाएगी, दैट इज